नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। इस हफ्ते ट्यूसडे को 21 तारीख को सुबह बंडलगुड़ा में इस्लामिया कॉलेज के पास एक लेआउट में एक लाश मिली थी। उसको इन्फॉर्मेशन आते ही उसको मर्डर केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू की। इसमें जो आदमी मर गया उसका नाम है आसिफ, वो तपाचापुत्रा एरिया का रहने वाला है, ऑटो चलाता। और इसमें है कि ये आसिफ और A1 जो है शेख इस्माइल अलियास आदिल, दोनों की पुरानी दोस्ती है। आजकल इसमें थोड़े झगड़े हुए। पिछले महीना आदिल जेल जाके वापस आया, उस दिन से इसको सता रहा है आसिफ, सब लोग के सामने बोलना कि ये एक खूनी का आदमी है, ये पूरा एरिया में जो और जैसे गंदे बातें कह के उसको सता रहे बहुत दिन से। उस पर उसको गुस्सा आया आदिल को, उसको कैसे ही उसको सबक सिखाने का उसका आइडिया है। इसके वास्ते मंडे शाम को आदिल आसिफ को बुलाए पीने के लिए, और उनके दोस्ता तीन और दोस्ता भी उनको बुलाए। और मंडे लेट नाइट ट्यूसडे अर्ली आवर्स में सब लोग पारदीवाड़ा में आए, वहाँ दारू पिए। दारू पीने के बाद उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। उसी टाइम पे आदिल ने पहले आसिफ ने आदिल को हाथ से मारा, जो आदमी जो मर गया वो A1 को पहले मारा, हाथ से मारा। उसके बाद ये आदिल A1 आसिफ को चाकू से मारा और वही गिर गया, वो आसिफ वही गिर गया। और आदिल और ताजुद्दीन A2 ताजुद्दीन दोनों उसी के ऑटो में बिठा के ये आसिफ के ही ऑटो में जो मरने वाला है उसी के ऑटो में उसको बिठा के पहाड़ी शरीफ लेके जा रहे थे। पहाड़ी शरीफ में आदिल का घर है, वहाँ लेते जा रहे हैं। उस टाइम पे सुबह 4:30-5 बजे के टाइम पे उसको फिर होश में आ गया आसिफ, होश में आके फिर उसको गाली देने लगा। उस टाइम पे ये लोग उसको डाइवर्ट करके यहाँ बंडलगुड़े में इस्लामिया कॉलेज की तरफ, कॉलेज के पीछे जो लेआउट है वहाँ लेके गए, और वहाँ फिर से चाकू से मारे और वहीं छोड़ के आ गए, वहीं उसका इंतकाल भी हो गया। और इस केस में पांचों को A1 शेख इस्माइल अलियास आदिल, A2 ताजुद्दीन मोहम्मद ताजुद्दीन, A3 शेख उस्मान, A4 मोहम्मद साहिल और A5 मोहम्मद रेहान, चारों को यूसुफैन दरगाह के पास गिरफ्तार किए। इसके अलावा एक ऑटो जिसमें ये पूरे लोग भाग गए, एक चाकू जिसे मारे, तीन मोबाइल फ़ोन और एक होंडा एक्टिवा बाइक, जो A3 A4 A5 ये तीनों लोग आए, ये मटेरियल्स भी सीज किए। और ये जो मरने वाला है आसिफ, इसके ऊपर लंगर हाउस पहाड़ी शरीफ और आसिफ नगर में तीन केस आए। और A1 शेख इस्माइल अलियास आदिल, इसमें प्राउडी शीटर है लंगर हाउस का, इसके ऊपर अभी तक 11 केस हैं राजेंद्र नगर, पहाड़ी शरीफ, आसिफ नगर, लंगर हाउस और मादापुर में इनके ऊपर केसेस हैं। और इनके ऊपर पहले भी इसके ऊपर PDAC के प्रोसीजर्स चालू हुए, लेकिन लीगल प्रॉब्लम्स के जरिए उनका आगे नहीं चल सका। अभी फिर से इन पर PDAC लगाएंगे और इस बार डेफिनेटली, बिकॉज ये मर्डर केस है तो डेफिनेटली इस बार उसको PDAC में भी लग जाएगा। सर ये पुराना वहाँ यहाँ तक आ गए। सर पुलिस को आइडेंटिफाई कैसा हुआ सर, ये लोग पहले ये आदमी जो मर गया
आसिफ जो है उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ, आइडेंटिफिकेशन हमारी क्राइम टीम ने की, और वहाँ उनके जाके मिलने से उसने उसकी मदर ने बोली कि उस्मान एक आदमी है वो रात को उसको लेके गया बोल के बोली, तो उस्मान को ट्रैक किया, उस्मान के जरिए पूरी चार लोगों आ गए और उन पे पूरा कहानी भी बाहर है। के नौनिहालों की तालीम और तरबियत के लिए हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल हजरत मौलाना नईमुद्दीन हुसामी की निगरानी में चलाए जाने वाला हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल दाखिलों का आगाज हो चुका है। मुलाकात करें करस्पॉन्डेंट मोहम्मद जईमुद्दीन हुसामी, हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल या खुद पूरा।